कोरोना वायरस संक्रमण की जो वर्तमान स्थिति है उस पर लगातार सरकार की नज़र है और मुख्यमंत्री जी के स्तर से तथा मुख्य सचिव के स्तर से उसकी समीक्षा की जा रही है प्रतिदिन। कुछ निर्देश जो कल दिए गए थे, एक तो जो बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनका जो स्किल सर्वे चल रहा है जैसा आप जानते हैं, तो ये भी कहा गया है अब विभागों को कि उनके स्किल के अनुसार अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हम लोग यहीं इस्टेब्लिश कर पाते हैं तो उनको स्थायी रोज़गार मिल पाएगा, तो इस पर उद्योग विभाग को तथा संबंधित विभागों को काम करने के लिए कहा गया है। जो ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स चल रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिक निर्देश दिया गया है कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, उनके लिए अलग से विशेष व्यवस्था की जाए और साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान रखा जाए। मॉस्किटो नेट और कॉयल वगैरह का भी अरेंजमेंट रहे सभी जगह और ये सेंटर बिल्कुल SOP के अनुसार चलें। कुछ लोगों को पैदल लोग जाते हुए कई जगह सूचना मिली थी, तो सभी को निर्देश दे दिया गया है और लोगों से भी ये अपील है आप लोगों के माध्यम से भी कि लोग पैदल नहीं चलें। अगर वो कहीं पर हैं तो अपना नियरेस्ट ब्लॉक या थाने पे पहुंच जाएंगे तो वहां से भी उनको उनके गंतव्य तक जहां पर भी डेस्टिनेशन है पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। जो आपदा राहत केंद्र चल रहे हैं अभी कुल 172 चल रहे हैं जिनमें लगभग 71,893 यानी लगभग 72,000 लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर की संख्या बढ़ रही है लगातार, आज ये संख्या बढ़ के 3474 हो गई है और इनमें 98,814 लोग आवासित हो गए हैं यानी लगभग 1,00,000 के आसपास, थोड़ा सा उससे कम आप कह सकते हैं, इतने लोग वहाँ पर ऑलरेडी आ गए हैं। जो हम लोगों को लॉकडाउन में बाहर फंसे हुए लोग हैं उनसे जो कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं उनकी संख्या आज बढ़कर 1,90,000 हो गई है और इनमें लगभग 18,44,000 लोग इन ग्रुप्स में सम्मिलित हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर लगातार समीक्षा की जा रही है और कुल जो अभी तक योजनाएं लॉकडाउन पीरियड में फंक्शनल हैं या चालू हुई हैं उनकी संख्या लगभग 3,47,000 है और एग्जैक्ट अगर टू बी प्रिसाइज 3,47,157, तो 3,47,000 लगभग योजनाएं चालू की गई लॉकडाउन पीरियड में। कुछ इसमें से पहले से भी चल रही थी जो बंद हो गई थी तो उनको दोबारा चालू किया गया और इनमें लगभग अब तक 1,59,45,000 लोगों को या इतने मैंडेज क्रिएट हुए हैं आपको, तो लगभग 1,60,00,000 आप कह सकते हैं मैंडेज क्रिएट किए गए हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। जो ट्रेन्स की सूचना है हम लोगों के पास नोडल पदाधिकारी से, तो आज के लिए 14 ट्रेन्स शेड्यूल्ड हैं, ये मैंने कल भी बताया था, और कल के लिए 20 ट्रेन शेड्यूल की गई हैं। तो कल जो 20 ट्रेन प्रस्तावित हैं उनमें लगभग 23,540 लोग उनके माध्यम से आ रहे हैं और अगर टोटल हम बात करें अभी तक तो कल तक यानी 9 मई तक हमारे पास 83 ट्रेन्स आ गई थी और जिनमें कुल 1,02,196 इतने लोग आ गए थे। और अभी जो ट्रेन्स प्लान हो चुकी हैं, ये अंतिम नहीं है लेकिन जितने का अभी प्लान हो चुका है उनकी संख्या और फर्दर 86 है, तो 86 ट्रेन और प्लान्ड हैं और आगे भी जो इसके आगे भी जो आवश्यकता होगी उसके अनुसार प्लान किया जाता रहेगा। उनमें भी लगभग 1,20,400 लोगों के आने की संभावना है। तो अभी तक अगर कुल प्लानिंग की हम बात करें तो टोटल 169 ट्रेन्स में 2,22,596 इतने लोगों के आने की संभावना है जिसमें 1,02,000 आ चुके हैं और 86 ट्रेन्स जो फर्दर प्लान्ड है उनमें 1,20,000 के आने की और संभावना है और इसके आगे भी आवश्यकता अनुसार जैसे जैसे ट्रेन की प्लानिंग होगी हम आपके साथ बाकी फिगर भी शेयर करेंगे। एक और जानकारी मैं देना चाहूँगा कि मुंबई से भी जो 2 ट्रेन्स पर डे प्लान की गई थी तो
वहाँ से सूचना दी गई थी कि थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए निर्देश दिया है कि 3 ट्रेन्स भी पर डे के हिसाब से प्लान कर लिया जाए मुंबई से भी, ताकि वहाँ से भी ज़्यादा लोग आ पाएँ। तो ये निर्देश भी मुख्य सचिव महोदय को दिया गया है। और कोटा का कल एक प्रश्न भी आया था कि कोटा में कुछ लोग बचे हैं, तो उनके लिए भी राज्य सरकार व्यवस्था कर रही है और सहमति दे दी गई है, तो वो ट्रेन्स भी आ जाएंगी।